हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज मैं आपको एक एलजी का डुअल इन्वर्टर, एक है मॉडल एलजी का, एक 2 टन का स्पीड एसी है आप देख रहे हैं इसमें। दोस्तों इसका सर्विस करना है, इसका कैसे किया जाता है आपको मैं बताऊंगा। इंडोर यूनिट का अभी आप देख पा रहे हैं, ये इन्वर्टर है, 10 ईयर की वारंटी है। अभी देख पा रहे हैं ये पूरा, इसमें स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम भी दिया है, स्मार्ट तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों इसका पूरा का पूरा, ये रहा पूरा का पूरा इसमें 3 स्टार है। अभी हम देखते हैं इसको, हम खोलेंगे जैसे। यहाँ पे दोस्तों एक ये पिन होती है और एक यहाँ पे पेच लगी होती है, इसको अपन लोग अभी निकाल रहे हैं। अब देखेंगे, मैंने खोल लिया था कि हमारा निकल गया यहाँ से। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा एलजी का एक मॉडल हो गया, सिंगल फेज 230 वोल्ट कूलिंग कैपेसिटी इसकी 6300 वाट है, पावर 2065 वाटेज है, इसका करंट 9.5 एम्पीयर। इसमें हाई जिसमें प्रेशर है 4.2 मेगा पास्कल है, लो में 2.4 मेगा पास्कल है। रेफ्रिजरेंट जो गैस लगी है R32 डली हुई है और कितना डला है 1.15 kg। क्लाइमेट क्लास T1 क्लास है ये राशि। इसमें पे यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो दिया है 3.96 देख रहे हैं RAC एलजी का, यह पूरा दिख रहा है। हमारी पूरी कूलिंग कॉइल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 पे चल रहा है, 16 डिग्री पे। ये इंडोर का PCB है, ये ल्यूबेर है हमारा, यहाँ पे पूरा पानी कलेक्ट होता है, ये सम्प है, ये पूरी कूलिंग कॉइल है दोस्तों। अभी दोस्तों आज मैं आपको एक LG का डुअल इन्वर्टर AC स्प्लिट AC है 2 टन की, उसके इंडोर वायरिंग के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या होता है, ये सारा चीज क्या चीज दिखते हैं दोस्तों। जैसे मेन देखिए, ये फॉर इन्वर्टर मॉडल के लिए LG का एक मॉडल है, ये मेन PCB हो गया दोस्तों। यहाँ पे स्टेपर मोटर लगी है, स्टेपर मोटर लेफ्ट और राइट के लिए है, ये अप डाउन के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे एक जम्पर है दोस्तों, यहाँ पे एक ये फोर्स SW ये डिस्प्ले के लिए जाता है दोस्तों, ये स्विच के लिए है, ये डिस्प्ले के लिए। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये थर्मोस्टेट के लिए, एयर का जो एटमोसफियर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, वो सेंस करने के लिए। ये थर्मोस्टेट है मिडिल पाइप के लिए, जिसको कहते हैं हम कूलिंग कॉइल टेम्परेचर या ट्यूब सेंसर कहते हैं। वहाँ पे ये देख पा रहे हैं यहाँ बजर है, ये स्पार्क इनपुट है सब PWD ASM, ये कि यहाँ पे नोब है, यहाँ से हमारा कनेक्ट होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा वाईफाई के लिए, स्मार्ट वाईफाई के लिए है। यहाँ पे इजी ऑन बोर्डिंग ये यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों रेड ब्लैक और एक अर्थिंग ये जाती है हमारी आउटडोर यूनिट पे। यहाँ पे आप देखेंगे BR ब्राउन जो लिखा है ना, ये हमारा एक कम्युनिकेशन के लिए है दोस्तों, ये आउटडोर के लिए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्यूज़ है, इसको हमारी सप्लाई यहाँ इनपुट से आ रही है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट से सप्लाई आई, इसके बाद फिर यहाँ से एक लूप में आउटपुट में चला गया, ये ब्लैक हो गया। और एक यहाँ पे कंप्रेसर के लिए जो सिग्नल वायर है ये ब्राउन, ये यहाँ से आता है। ये पूरी की पूरी मेन PCB है। ये हमारा ब्रशलेस DC मोटर है, BLDC जिसको कहते हैं। इसमें देखिए 5 तार दिए हैं, हाई लो मीडियम और एक न्यूट्रल हो गया, रेड ब्लैक वाइट ब्लू और येल्लो इसमें दिया हुआ है। ये पे ब्लैक देखेंगे, ये अर्थिंग के लिए यहाँ पे दिया है, एक अर्थिंग के लिए, ये सारा चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शनल है, जो डैश दिए ऑप्शनल है, ये फील्ड है और फैक्ट्री वायरिंग ये दी हुई है, ये सारे जो है ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। बाकी जो इसके अंदर सारा सिस्टम है ये पूरा का पूरा इसमें फैक्ट्री वायरिंग दी हुई है दोस्तों। दोस्तों ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपको आपके लिए हम बनाते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई नई वीडियो, लेटेस्ट वाली AC
सभी की जानकारी आपको प्रॉपर वे पे मिलती रही। थैंक यू दोस्तों।